फूल दिवस की हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। राजधानी रांची के कांके स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में हुल दिवस के अवसर पर अमर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पूर्व विधायक गीता शिवराव ने भी सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमर शहीद सिद्धो कान्हू को याद करते हुए जल जंगल जमीन को बचाने का संदेश दिया। आप सबको सबसे पहले तो आज हुल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1855 संथाल हुल लोगों के जल जंगल जमीन की रक्षा, सामंतवाद और जो फांसीवाद था उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। सिद्धू कानू, फूलो झानो माखी, चांद भैरव, और हमको लगता है कि आज 1855 की जो स्थितियाँ थी वो स्थितियाँ आज ज़्यादा प्रासंगिक है। आज पुनः हुल के लिए 2024 एक मौका रहेगा जब सिद्धू कानू का, चांद भैरव का, फूलो झानो माखी का जो हुल की जो सिद्धांत थी उस सिद्धांत को लेकर इस देश के संविधान, इस देश की प्रजातंत्र, इस देश के जो अधिकार है लोगों के, आज उसको बचाने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि 2024 का जब 30 जून आएगा तो जो प्रण लिए थे उस समय के हमारे मनीषी लोग उसी प्रण को शायद हम लोग पूरा कर पाएंगे। माल्यार्पण के बाद झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सिद्धो कान्हू के मार्ग पर हम सबों को चलना चाहिए, हमें उनके सपनों का झारखंड बनाने का प्रयास करना चाहिए, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, आज हुल दिवस है और हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी हुल दिवस मना रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से हुल करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया था और हमने देश को आज़ाद कराने का काम किया था, जो हमारे पूर्वज थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन सबको याद करते हुए हम लोग ये प्रण लेते हैं आज कि जो देश में, जिस देश को हमने बनाया है उस देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में, एक बार फिर से जो इनका संदेश था संगठित होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, तो हम समझते हैं एक बार फिर से संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पर जोर देना। और हम लोग इस नाते यहाँ संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में ऐसे तमाम लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे जो देश की आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं खलल डाल रहे हैं, लोगों को आज़ादी से जीने में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। ऐसे समय में इनको केंद्र बिंदु में रख करके हम लोग प्रेरणा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जो इनके सपने थे वो अधूरे हैं और जिस तरह से मामले चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत एकजुट होकर, संगठित होकर के लोगों की जो लड़ाई है जल जंगल जमीन की उसको जारी रखते हुए उनकी सुरक्षा करनी है। हुल जोहार, हुल जोहार, हुल दिवस की हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी सिद्धो कान्हू को याद करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी समाज को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में 1857 को कहा गया था कि पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी पहली है, लेकिन 1855 में हमारे यहाँ सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव ने जो क्रांति की थी उसमें आप लोगों को पता होगा कि 50-60 हज़ार आदिवासियों के साथ लड़ाई हुई थी उनकी, उन्होंने विरोध किया था और उसमें से 30 हज़ार आदिवासियों की जान गई थी, महिलाओं ने भी उसमें भागीदारी निभाई। तो ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, इसे भूलना नहीं चाहिए और उसको बचाए रखना चाहिए, उस आग को, उस क्रांति को। मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। हुल दिवस के अवसर पर सबसे पहले इन महान हमारे जो प्राण नेता हैं, महापुरुष हैं, उनको नमन करते हैं और आज के दिन में संकल्प लेने की ज़रूरत है जिन उद्देश्यों से, जिनके लिए भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने लड़ा, आज हम सभी इसी के लिए संकल्प लेने का काम करेंगे। सवाल है जिस संकल्प को लेकर हम चलेंगे
इसको आज ज़रूरत है हर किसी लोगों को, इस चीज़ों को, इनकी भावनाओं को आम लोगों तक सुदूर देहात में भी इनको पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी लोग आज इसी का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर। वहीं पूर्व विधायक गीता शिवराव ने अमर शहीद सिद्धो कान्हू को नमन करते हुए कहा कि हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।